नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा। वेलकम टू इजी कुकिंग विद शिल्पा। रोज रोज प्लेन राइस खाने से आप थक गए हैं, तो चलिए आज की रेसिपी आपके लिए है, जिसमें घी, जीरा और बहुत सारा प्यार है। तो चलिए बनाते हैं जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए हमने गरम किए हुए पैन में 1.5 चम्मच घी लिया है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा क्रैक होने के बाद हमने इसमें 3-4 लौंग डाली है, 1 तेज पत्ता डाला है। अब हम इसमें धोया हुआ राइस डालेंगे। ये हमने बासमती राइस यूज़ किया है। वैसे तो आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हो, लेकिन बासमती राइस को हमने अच्छे से धो के 1/2 घंटे तक पानी में सोक किया था। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। 2 कप राइस लिया था, इसलिए हम इसमें 4 कप पानी डाल रहे हैं। अच्छे से मिला लीजिए और अब इसे 10 से 15 मिनट तक ढक्कन बंद करके मीडियम आंच पे पकने देंगे। 15 मिनट के बाद चावल इस तरह से दिखेंगे। अब ढक्कन बंद करके 5 मिनट तक धीमी आंच पे थोड़ा सा पकने दीजिए और एंजॉय कीजिए आपका जीरा राइस किसी भी दाल के साथ।